प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था, लेकिन शायद उस लड़की को हितेश के बारे में पूरी जानकारी होगी। इसी कारण से वह लड़की हितेश के पास न जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करते थे। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफर होने के बाद वह हितेश के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आया था। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसका कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रहे थे। ऐसे तो वहाँ के ज्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेश उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी न बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफर 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने गुजर गया, उसकी ट्रांसफर अब किसी दूसरे जगह हो गया था। ऐसे में हितेश बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उसे वह बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेश को हुआ बहुत ज्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखा भी नहीं। लेकिन माना कि था उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था, हितेश आता था कि उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात किया जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेश नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की देखा तो हितेश रुक गया। हुआ है, लड़की हितेश के पास जा पहुंची थी और हितेश को कह रहे थे कि मुझे आपसे कुछ बात करना है। वो लड़की है देश को कहता है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें ये सजा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें दिखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर माना कि आगे बढ़ जाती है। हितेश मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेश सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिलेगी, मेरे पास इतने पैसों की क्या कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सच है दोस्तों, पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके करैक्टर को नहीं सुधार सकता है। यदि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखिए, वह अच्छी चीजों में उपयोग करें।